भौजाई भैया तो तर्क नहीं आओ, लेकिन भौजाई उतर आई और भौजाई ने अड़ोसी पड़ोस ने इकट्ठी कर लाई, एक छोटी सी थाली लई और द्वार पे आई गई और पतो कहा बोली कि कैसो कैसो छोटे की मांगो मुंह पे भातो रसी कैसे ननद हो छोटी मटर सी चना सी टोटे में मांगो मुंह पे भातो मटर सी ने टोटे में गया। भैया बोलो बहन बोल क्या चाहिए। भैया से बोली बहन भैया देख कछु मत लइए, मेरे मंडप की शोभा कर दईए और ज्यादा मत लइए, मेरे बाणे ते आए के अंगोछा बांध दईए, बस इतनो लेइए, ज्यादा की जरूरत ना है। भैया बोलो बहन सुन, ऐसा बात पहनाऊंगा जो तेरी नगर में कभी किसी ने नहीं पहनाया हो। बहन बोली भैया देख वैसे तो कछु कह न रही, अगर तू कह रहो है ना तो अब सुन ले मेरी, क्या क्या लेके आना है तुझे बोलो। अरे छोटी सी भैया काल में कहने रही कछु। भैया बोलो नहीं बहन बता छोटी सी भैया लाल ले लाल ले छोटी सी भैया लाल ले लाल ले छोटी सी भैया लाल ले लाल ले छोटी सी भैया लाल। और सुन बोला उसी की भैया बर्तन बर्तन लाओ ना तो सब पीतल पीतल के लिए स्टील को नाम उड़ा हो, और अगर जेवर हो तो सब पीरो ही पीरो हो सफेदी को नाम उड़ा हो। वो सीधी भैया कपड़े वो सीधी भैया बच्चे देखी बोला सब सब आइयो, लेकिन जी जो भौजाई बैठी है ना जाइए मत लइए उसी में भैया बचते भैया सब सब आइए, लेकिन जब हो जाइए मत बुला के लइए जान जान कितनी बड़ी बेइज्जती करी है, मटर सी चना सी सब सब आना। आज अपने ससुराल में पहुंची है मैना, फिर क्या होती है लाड़ो हरी गलियन में मत खेलो मेरी लाड़ो, अरे भोले जीवन आवे गौरा बोली सुनो बहन, अरे भोले आवी चाहे कोई भी आवे ये बता मोई का जई माल में का जई गोरा है कोई कैसी पहचाने के भोला आवे जई कोई भी आवे
कोई कंगन से पहचाने रे गली में लाड़ो हुई। लाड़ो होने के बाद बरनी फिर शादी की तैयारियां हो रही हैं। कहने लगी बहन जब बताओ तुमने अपनी जान तुम्हारी लली है ना इसकी तो सब कुछ गा लो लेकिन एक बोलू को गा लो क्यों बाकी कौन सी अम्मा गानवाई बैठी है हैं सही जाननी तो एक गाय लो। कह लगी का गाए बोली कछु मत गा तो एक भट नहीं गाय लो। कह लगी जब बताओ नई इस नए जमाने को गाए या पुराने जमाने को। अरे अब तो फैशन जमाना चल रहा नहीं कोई गाय लो नहीं कोई। अरे हाय बना मेरे हीरो हीरो बड़े इंग्लिश भी लिखी नमस्ते उधर मेरे कथा के प्रेमियों भोले बाबा ने कहा है नंदी ये जो नाई ब्राह्मण आए हैं इनको दक्षिणा दे दो। क्या देना है दक्षिणा में ऐसा करो यज्ञ कुंड से बभूति दे दो पुड़िया बनाकर। दोनों को बभूति दी। अब नाई ब्राह्मण वहां से तो चले लेकिन पंडित जी को सबुन न भाव क्यों किया भोला ने दिया है तो दिया क्या है खोल के देखूं। रास्ते में थोड़ी दूर चले पुड़िया खोली पुड़िया में राख निकली। कहने लगे दाद भोला तेरे घर में क्या ये राख ही थी। और वैसे तुमको कहते हैं कि धंधन भोले नाथ तुम्हारे कोई कमी नहीं है खजाने में और तीन लोक बस्ती में बसे और आप बसे वीराने में तुम्हारे खजाने में कोई धन की कमी नहीं है लेकिन जब राख है तुम्हारे खजाने में। राख को जैसे ही जमीन पर पटका वो राख सोना हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। और जो नाई रहे ना क्योंकि नाई बड़ो चतुर होते हुए नाई पंडित से